हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल ब्यूटी ऑफ हिमाचल में। फ्रेंड्स, आज हम आपको ले जाएंगे चौधरी वाटरफॉल, जो कि समरेल के साथ ही पड़ता है और शिमला से तकरीबन उसकी दूरी है 7 या 8 किलोमीटर। फ्रेंड्स, आज मौसम बहुत ख़राब है और आप देखते हैं चारों तरफ फॉगी फॉग है। आज हम जा रहे हैं चौधरी वाटरफॉल, जो कि समरेल में पड़ता है और आप ये ऊपर वाला रोड देख रहे होंगे, ये जा रहा है समरेल यूनिवर्सिटी को। हम जाएंगे अभी नीचे वाले रोड से और यहाँ से जो वाटरफॉल है वो है तकरीबन 3 या 4 किलोमीटर दूर है यहाँ से, और शिमला से उसकी दूरी है 7 किलोमीटर। तो चलिए फ्रेंड्स, ले चलते हैं आपको वाटरफॉल जो कि समरेल में है। अभी हम पहुंच चुके हैं समरेल रेलवे स्टेशन और मेरे साथ है रिशु। हेलो फ्रेंड्स, और हम जा रहे हैं अभी चौधरी वाटरफॉल। यहाँ से गुजर रहे थे तो हम रेलवे स्टेशन की तरफ को आ गए। अरे देखिए, यहाँ पे आप टिकट की बुकिंग कर सकते हैं अगर आपने शिमला जाना है या कालका की तरफ जाना है समरेल से भी। और ये है रेलवे ट्रैक और ये देख रहे हैं आप पीछे, ये है 103 टनल। तो चलिए फ्रेंड्स, ले चलते हैं आपको आगे की तरफ। अभी जा रहे हैं हम चौधरी वाटरफॉल। यहाँ से जो वाटरफॉल है वो है 2 किलोमीटर। अभी हम यहाँ से आ जाएंगे और नीचे वाले रोड पर टर्निंग करके सीधे यहाँ से निकल जाएंगे चौधरी फॉल। गाइस, हम निकल चुके हैं चौधरी वाटरफॉल की तरफ
जो कि यहाँ साथ में ही है। यहाँ से थोड़ा सा पैदल रास्ता है और उसके बाद यहाँ पे दिखेगा एक प्यारा सा झरना। और अभी हम जंगल के बीचों बीच पैदल वॉक कर रहे हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं काफ़ी घना जंगल है ये, और यहाँ पे जानवर जुनवर का भी डर रहता है, तो यहाँ पे अकेले मत आए। देखिए कितना प्यारा नज़ारा है यहाँ का, और ये यहाँ बरसात के टाइम आके ही फ़ायदा है, क्योंकि बरसात में पानी भी काफ़ी ज़्यादा होता है, और अगर आप गर्मियों में आते हो तो इतना पानी नहीं होता है। देखिए क्या सीनरी है, आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा नज़ारा है। हाय गाइस, बस हम पहुंचने ही वाले हैं थोड़ी देर में। ये देखिए कितना हरा भरा लग रहा है चारों तरफ, यहाँ पे एकदम से बिल्कुल शांति सी है, काफी बढ़िया लग रहा है। और देखते हैं आगे क्या है, क्योंकि मैं भी फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ वाटरफॉल, जो चौबी वाटरफॉल है ये। देखते हैं आगे कितना पानी है वहाँ पे और कैसी जगह है, ये तो वहीं जाके पता चलेगा जब हम वहाँ पहुँचेंगे। तो हमें तो लगा था ये थोड़ा ही दूर होगा, पर 5-1 मिनट हो गए हैं चलते चलते, अभी तक तो पहुंचे नहीं है झरने के पास। तो ये हम पहुंच चुके हैं चौधरी वाटरफॉल। तो आइए आपको दिखाते हैं यहाँ का थोड़ा सा नज़ारा, काफ़ी बढ़िया नज़ारा है। ये देख रहे थे आप पीछे में, ये देखिए ऊपर पहाड़ों में से पानी बहता हुआ, और इनकी झरना कितना प्यारा लग रहा है ये, देखिए फ्रेंड्स। और एकदम से बिल्कुल सी शांति है यहाँ पे, और चारों तरफ ग्रीनरी ग्रीनरी है। बरसात के टाइम यहाँ पे आते हैं तो काफ़ी अच्छा व्यू दिखता है, और आप देख सकते हैं। और हम जानेंगे रिशु से कैसा लग रहा है उन्हें यहाँ पे आके, तो रिशु बताएंगे आपको कैसा लग रहा है। देखिए पहाड़ों से पानी आ रहा है, झरना देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा। आपने यहाँ से पहले कभी ऐसा नज़ारा देखा होगा? नहीं, ऐसा तो कभी देखा ही नहीं। तो ये भी कह रहे हैं कि इन्हें यहाँ से पहले ऐसा नज़ारा कभी कहीं नहीं देखा है। तो फ्रेंड्स चलिए थोड़ा नीचे चलते हैं और देखते हैं इसको और करीब से।
जैसा कि आप देख रहे हैं हम वाटरफॉल के पास हैं और ये देखिए मेरे पीछे जो है वाटरफॉल बह रहा है ऊंचाई से बह रहा है और काफ़ी पानी है आजकल यहाँ पे क्योंकि बरसात का मौसम है इसलिए काफ़ी पानी है और काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे इन पत्थरों से थोड़ा स्लिप हो रहे हैं जैसे हम जा रहे हैं वाटरफॉल जो कि 5 किलोमीटर दूर है।